फाइनली हम लोग बनारस बैंक चौक से निकल चुके हैं और अभी हम लोग कच्ची पक्की सराय वाले रोड में हैं। और यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है जो पहले से बना हुआ मंदिर है शायद। हाँ, ये बंगला मुखी मंदिर है, यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं। ये यहाँ सिद्ध पीठ है, ये एक जगह है जहाँ पर आप कभी भी आकर के घूम सकते हैं। और यहाँ पर मैं रुकूँगा नहीं, आगे चलता हूँ, इसलिए कि समय बहुत कम है और पूरे मुजफ्फरपुर में घूमना है। अभी पता भी नहीं है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, किस ढंग का बना हुआ है। तो हम लोग अमर सिनेमा की रोड में निकल चुके हैं अभी। यहाँ पे बगल में अमर सिनेमा हॉल है अभी। और हम लोग अब सामने से कल्याणी पहुँचेंगे, देखते हैं कल्याणी पर किस तरह का पंडाल का निर्माण किया गया है। हम लोग टाइमिंग इस समय लेकर के चले हैं कि आप हम लोग भीड़ में ना फंसे। और अभी हम लोग कल्याणी चौक पर बस एंट्री करेंगे। ये हम लोग कल्याणी चौक पर हैं, ये गोलंबर है यहाँ का, और ये देखिए शिवलिंग का अद्भुत नज़ारा आपके सामने है। गजब लग रहा है भाई साहब, ऐसा नज़ारा शायद आपने कभी देखा होगा। अब इनके अंदर में चलते हैं, देखते हैं। वाह, हम लोग बराबर यहाँ आते रहते हैं और इस तरह का पंडाल अभी तक मैंने नहीं देखा। यहाँ पे सजावट डेकोरेशन गजब किया गया है। अच्छा, ऊपर में भी कुछ दिख रहा है। यहाँ रुकने का प्रयास करेंगे और रुक करके वीडियो बनाएंगे कि किस तरह का, ये आप देख सकते हैं पड़ी है। और अभी जो आपने छड़ी देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे। साथ में वो आपको जो घोड़ा दिख रहा होगा उसके जो पंख लगे हुए हैं वो अद्भुत नज़ारा है। हमारा एक ही मकसद है कि आप वीडियो को देखें और जहाँ कहीं भी अच्छा डेकोरेशन लगा हुआ है। चलिए फिर निकलते हैं अपने यात्रा की ओर और हम लोग अभी कल्याणी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा पंडाल देखने को मिलता है। ये हम लोग कल्याणी चौक से निकल चुके हैं और ये थोड़ा सा हम लोग अभी गरीबनाथ मंदिर की ओर फिर रिटर्न होकर के आए हैं। और ये जो सजावट लग रहा है कि पंडाल कुछ ऐसा होना चाहिए। ये जो रास्ता है वो अंडी गोला का रास्ता है और अंडी गोला में व्यापार से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं। अरे भाई साहब, आगे बढ़ा ले भाई साहब। हाँ, पंडाल तो नज़र आ रहा है, आइए देखते हैं क्या नज़ारा मिलेगा हम लोगों को, नया देखने को मिले। ये डेकोरेशन अभी आप लोग देखे हैं और ये पंडाल खूबसूरत। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं और दोनों रास्ते ये गरीबनाथ मंदिर की ओर ही जाते हैं। हम लोग यहाँ भी रुकने का प्रयास करेंगे और साइड में मैं गाड़ी लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पहले से मंदिर बना हुआ है और माँ की मूर्ति भी लगी हुई है। डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा खर्चा नहीं किया इन्होंने, लेकिन बट इनका भी पंडाल डेकोरेशन अच्छा है। माँ की तस्वीर आपके सामने है। अब यहाँ से निकलते हैं, चलिए। बहुत जगह पर घूमना है तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग निकलेंगे। देखिए मकसद मेरा क्या होगा कि आपको वो चीज़ दिखाएं
जो नया हो। अभी हम लोग गरीबनाथ मंदिर पे जाएंगे, देखेंगे कि इस बार गरीबनाथ मंदिर पे भी कोई व्यवस्था है। ऐसा है कि नहीं, गरीबनाथ में ये तो गरीबनाथ मंदिर से पहले का कुछ है, बहुत अंदर है तो यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये गरीबनाथ मंदिर के रास्ते का तस्वीर है, यहीं से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है और हम लोग सावन के महीने में भी आते हैं। बट यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं नहीं यहाँ पे तो पूजा नहीं किया गया इस बार। अब हम लोग निकलेंगे पंकज मार्केट की ओर। अरे वाह, इंडिया गेट, ये साइड में जो डेकोरेशन का सामान मिलता है ना वो सुनरी बहुत अच्छा लगता है इस तरह का सामान। से जो ये आप देख रहे हैं इंडिया गेट, पंकज मार्केट में कुछ नया करने का कोशिश किया है, हर साल नया करते हैं लोग। तो ये इंडिया गेट साक्षात तस्वीर आपके सामने है, अद्भुत नज़ारा है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अंदर में, पंकज मार्केट में किस तरह की व्यवस्था है। मुजफ्फरपुर में ऐसे नंबर वन पर अगर कोई आता है तो पंकज मार्केट आता है। पंकज मार्केट के जो पंडाल होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, वो अद्भुत होते हैं और हर साल नंबर वन पर आने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसा लगता है थोड़ा सा अंदर जाना होगा, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ देखने को मिलेगा ज़रूर। और मैं ये पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, लग तो रहा है ये राम जी का गजब। ये रोड के बीचों बीच उनकी प्रतिमा लगाई गई है, अद्भुत। ये पंकज मार्केट का आप जो तस्वीर देख रहे हैं, सभी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ का मूविंग इस बार हम लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि ये जो है वो रात में भी चलता है। आइए अब हम राम जी के तरफ से स्लो मोशन में वीडियो दिखाते हैं। भाई हाथ वाथ हुआ अगर हिल जाए तो क्षमा चाहते हैं। चलिए अंदर में से घूम के तो आ गए और अब लोग निकलते हैं यहाँ से, क्रॉस कर रहे हैं इंडिया गेट में। भाई दिल्ली तो कभी गया नहीं, बट मुजफ्फरपुर में ही इंडिया गेट क्रॉस करने का मौका मिला। ये अब पीछे का दृश्य भी आप देख सकते हैं, सेम दोनों तरफ से सेम है, कहीं से भी लगता नहीं है कि हाँ इंडिया गेट नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ इसको ऐसे ही रहने दो, गजब। ये हमारे टावर का जो दृश्य है, ये टावर है और ये बहुत पुराना घंटाघर है। ऐसा कहते हैं कि मुजफ्फरपुर का ये धड़कन है। वाह क्या बात, गजब। चंद्रयान 2 फिल्मों में देखा था इस तरह का पोस्टर, रुके पहले को सामने से भी दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, अच्छा लगा। साइड में बाइक लगाता हूँ, उसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगा चंद्रयान 2 सामने से देखने में कैसा लगता है। बट छोटा सा है ये, देखिए छोटा सा है बट रॉकेट है, ये सीधे जाएगा चंद्रमा पे। तो ये टावर का दृश्य आप देख रहे हैं, टावर है यहाँ से और सामने जो जाती है वो मोतीझील की तरफ जाती है। आप मोतीझील जा सकते हैं और या कल्याणी जा सकते हैं, दोनों तरफ है। तो हम लोग इसके अंदर अब चलेंगे। देखिए ये जो चंद्रयान 2 का जो गेट बना हुआ था वहाँ के मूर्ति के पक्का जो प्रतिमा लगा हुआ है, जगह का दिक्कत होती है बट बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। प्रतिमा भी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई, डेकोरेशन आप देख सकते हैं साथ में, ये देशभक्ति का प्रतीक इन्होंने दिया है। सभी जो क्रांतिकारी थे उनका तस्वीर उनमें लगा हुआ है। अभी महात्मा गांधी आपको दिखेंगे, जवान का तस्वीर आपको दिखने को मिल रहा है। बट अब यहाँ से निकलते हैं,
और हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से सीधे माँ संतोषी माता मंदिर, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पे है हम लोग, अभी हम लोग यहाँ से दाहिने साइड से जो अभी जा रहा है वो ये क्या बोलते हैं जी, मोती झील की तरफ जाते हैं, और बाएं साइड से जाते हैं वो कल्याणी चली जाती है। अरे भाई थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा ले भाई, उतनी दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, आज हम लोग दिन के समय में ही घूम रहे हैं तो क्राउड नहीं मिला है ना जाम मिला है, इससे आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा निकालने में सहूलियत होगा, तो टाइमिंग मेरा ठीक है। आइए हम लोग अब माँ संतोषी माता, ये लोग पहले ये मंदिर जो ये सब पहले से है, ये हम लोगों को जानकारी दी है, हम लोग संतोषी माता मंदिर आ गए हैं। ये मोती झील के जस्ट पुल के साइड में है। अरे वाह, सजावट यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है, और मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊँगा बट साइड से ही शायद कोई प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन उन्हीं का दर्शन करूँगा और समय के अभाव में हम लोग आगे निकलेंगे। आइए देखते हैं माँ का तस्वीर किस तरह का है। डेकोरेशन देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ भी है कुछ, तो ये माँ का तस्वीर जी बगल में खड़ी है। यहाँ पे महिषासुर का जो गला जो कट करके रखा हुआ गजब, अद्भुत है भाई नजारा गजब। अब निकलते हैं हम लोग मोती झील की ओर, थोड़ा सा मोबाइल पकड़े पकड़े हाथ दर्द करने लगता है, तो बीच में वीडियो को रुकना पड़ जाता है। हम लोग अभी मोती झील ओवरब्रिज के नीचे हैं, और फिर हम लोग आम गोला की तरफ हम लोग निकलेंगे। ये कल्याणी की से होते हुए निकलती है, अघोरिया बाजार भी यहीं से आप जा सकते हैं। ये हम लोग अभी मोती झील क्रॉस कर गए हैं ओवरब्रिज। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ का प्रतिमा अच्छा है, पंडाल अच्छा लगा आपको, विधि व्यवस्था अच्छा लगा। हम लोग अब ये मोती झील का जो रोड है ओवरब्रिज के पीछे जाती है उससे हम लोग गुजर रहे हैं। और ये थोड़ा सा शो के लिए बनाया हुआ है, मतलब ये होता क्या है कि जैसे दुकानदारों ने अपना जो खर्चा है थोड़ा बहुत लगा करके और अपनी जगहों को थोड़ा सा सजाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कोई मूर्ति लगी हुई तो नहीं दिखाई दी है, बट हम लोग आगे आ गए। अब यहाँ से मिठुनपुरा का रास्ता तो इधर से बंद लगता है, उधर जाने का प्रयास भी नहीं, बाइक नहीं जाने दे रहे हैं प्रशासन ने यहाँ पर। हम लोग आम गोला ओवरब्रिज पे निकलेंगे। हाँ अभी देख रहा था भाई कि वहाँ से जाने का कोई रास्ता हो तो हम लोग भी जा सके, ये ओवरब्रिज से हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। और अब ये जो हम लोग पहुँचेंगे अघोरिया बाजार, अघोरिया बाजार में भी सुना है कि अच्छा तस्वीर लगता है, यहाँ पे पंडाल भी अच्छी बनती है, और दूर से देखने में तो लग रहा है कि हाँ अघोरिया बाजार का भी पंडाल अति शोभनीय है। आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा नज़दीक चलेंगे, वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ सहयोग करें, और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए मैंने इतना प्रयास किया तो आप वीडियो को स्किप ना करेंगे और पूरे मुजफ्फरपुर का नज़ारा देखेंगे। भाई गजब, मुजफ्फरपुर में अभी तक हमको जो पंडाल का हाइट से लगा है वो यहीं का लगा, तो
अघोरिया बाजार हम लोग पहुंच चुके हैं। ये अघोरिया बाजार का पंडाल का दृश्य है सामने का, कई गजब बनाया है इन्होंने। और यहाँ पर हम लोग रुकेंगे नहीं, ये यहाँ से चौराहा है, चौराहे का जो नज़ारा इस तरह का बनाया है भाई साहब, गजब। चारों तरफ से रास्ता गुजरती है, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ये माँ की मूर्ति है, पंडाल है यहाँ पर, और हम लोग थोड़ा सा रमदियालू की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा लगने की वजह से प्रशासन भी रुकने का मौका नहीं देती है।